अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कनेक्टिव टिश्यूज की कंपोजिशन। आपको पता है टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और हमारी बॉडी में चार मेन टिश्यूज हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कौन से टिश्यू है? ये वो टिश्यू है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट देते हैं। दीज आर द टिश्यूज विच कनेक्ट एंड सपोर्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो आज हम सिर्फ इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ किस चीज से होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन क्या है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन देखें तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसकी मैं अक्सर मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि आपके पास एक कंटेनर है, छोटा सा गिलास समझ लें, उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, उसके अंदर दो और चीजें डालनी है, एक सिक्के और एक छोटे छोटे धागे। तो कितनी चीजें हो जाएंगी? तीन। जो सिक्के हैं उनको कहते हैं सेल्स, जो धागे हैं उनको कहते हैं फाइबर्स, और जो पानी है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है या ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं। उनमें से एक है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड है, दूसरे जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की जो इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिनको प्रोटियोग्लाइकेंस भी कहते हैं, ठीक है, वो होती हैं जो टिश्यू को स्ट्रेंथ देती हैं। आपने सुना होगा कंड्राइटिन सल्फेट और इस तरह के मिलते, काफी सारे केमिकल्स जो है ना इसमें शामिल होते हैं। अब जो फाइबर्स हैं ये तीन किस्म के होते हैं, एक है कोलेजन फाइबर्स, एक है इलास्टिन फाइबर, एक है रेटिकुलर फाइबर्स। कोलेजन फाइबर में कोलेजन प्रोटीन होती है, ये टाइप 1 होते हैं, और इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रोप लाइक होते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन स्ट्रेचेबल नहीं होते। जबकि जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये, इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन होती है, ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और ये वहां पे होते हैं उन ऑर्गन में जहां पे रिकॉइलिंग चाहिए होती है, मतलब कार्टिलेजेस में भी पाए जाते हैं, लंग्स में जिस तरह रिकॉइलिंग चाहिए होते हैं वहां पे। एक है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर जो है ये मेश वर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ये वहां पे होते हैं जहां पे कोई लेयर्स बनानी हो, कोई स्पोर्ट या स्पोर्ट बनानी हो, तो उस जगह के लिए ये रेटिकुलर फाइबर जो है ना यूज होते हैं। अब हम आ जाते हैं सेल्स पे। इसके जो सेल्स हैं मेन, उनमें एक मास्क सेल है। मास्क सेल जो है ये बेसिकली बेसोफिल्स होते हैं। वो बेसोफिल जो सर्कुलेशन को छोड़ के टिश्यूज में आ जाएं उनको हम मास्क सेल कहते हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरह प्लाज्मा सेल्स हैं, ये बी लिम्फोसाइट की टाइप है जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। एडिपोसाइट्स हैं, ये फैट स्टोरिंग सेल हैं और इनकी शक्ल जो है ये रिंग शेप होती है, सिगरेट शेप। मेलानोसाइट्स हैं, ये बॉडी को कलर देते हैं मेलानिन प्रोड्यूस करके, और ये स्किन में पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनको हम वूंड हीलिंग सेल भी कहते हैं, मतलब ये टिश्यू रिपेयर में, इंजरी हो जाती है, कोई जख्म हो जाता है तो टिश्यू को ठीक करने में ये हेल्प करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट। एक और सेल है जिनको हम हिस्टियोसाइट्स या मैक्रोफेजेस कहते हैं। हमारे ब्लड के जो मोनोसाइट्स हैं अगर वो सर्कुलेशन को छोड़ के टिश्यू में रहना शुरू कर दें तो उनको हम हिस्टियोसाइट्स या मैक्रोफेजेस कहते हैं, और इनके जो है ना डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में डिफरेंट नाम है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन के अंदर सेल्स होते हैं, जो मैक्रोफेजेस बोन में रहना शुरू करते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। इस तरह स्किन में रहने वालों को लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं, और जो लीवर में होते हैं उनको कुफर सेल्स कहते हैं, और जो स्प्लीन में, ये लिम्फ नोड्स में होते हैं उनको हम डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं, और जो लंग्स में हैं उनको हम एल्वियोलर सेल्स कहते हैं, और जो ब्रेन में हैं हम उनको माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये सिंपल सी कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन है। दोबारा से सुन लें, कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होंगी, एक लिक्विड पार्ट, उसको हम जो है ना मैट्रिक्स कहेंगे, एक फाइबर्स होते हैं और एक सेल्स होते हैं। अब इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब कि अगर किसी कोई कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिक्विड पोर्शन कम है और फाइबर और सेल्स ज्यादा हैं, ठीक है, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे, और जिसमें लिक्विड या बाकी चीजें ज्यादा हैं, फाइबर और सेल्स कम हैं, उसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो इनशाला नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।